अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है मैंने समंदर को, अभी पूरा आसमान ही बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी लाइफ स्टोरी सुनकर शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो ये ना कहे कि आखिर कैसे कर पाई होगी इतना कुछ ये महिला। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में, एक ऐसी महिला जिनके दोनों पैर खराब थे, उनका एक प्रोस्थेटिक लेग था और एक लेग में रॉड था और उनकी स्पाइन में भी काफी इंजरीज थी, और इन सब के बावजूद ये महिला दुनिया के सबसे ऊंचे पीक माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी। दोस्तों, हम लाइफ में कितने एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि अभी मनी की प्रॉब्लम्स है, फैमिली हेल्प नहीं करती और पता नहीं ऐसे कितने सारे बहाने, पर सीरियसली इस एक रियल लाइफ स्टोरी को जानने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा है कि अगर आप में कुछ करने का बर्निंग डिजायर है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, यहां तक आप खुद भी नहीं। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थी। अभी बात है 12 अप्रैल 2012 की, जब अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी पद्मावती एक्सप्रेस से। तभी उस ट्रेन में कुछ डाकू बदमाश घुस जाते हैं और वो ट्रेन में लूटपाट करने लगते हैं, और इन्हीं बीच उन डाकुओं का नजर पड़ता है अरुणिमा के गोल्ड चेन पे जो उन्होंने अपने गले में पहन रखा था, और वो उन्हें छीनने के लिए उनकी तरफ झपटते हैं। पर अरुणिमा एक स्पोर्ट प्लेयर थी और उसी स्प्रिट की वजह से वो उन डाकुओं से जम के मुकाबला करती है, पर मुकाबला अगर बराबरी का हो तो ना इंसान जीत पाए, कहां वो चार पांच डाकू और कहां ये अकेली। पर यहां मामला काफी बढ़ चुका था और डाकुओं ने ट्रेन में लोगों को डराने के लिए अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और कुछ देर बाद जब इन्होंने जैसे ही होश संभालने के लिए उठने की कोशिश करी, तभी सामने से एक और ट्रेन आ जाती है और उनके पैरों के ऊपर से होते हुए निकल जाती है। और हम बस ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक नजारा रहा होगा आखिर ये सब। ये करीब 7 घंटे तक उस ट्रैक पे पड़ी होती हैं और तब तक करीब 50 से ज्यादा ट्रेन वहां से गुजर चुकी होती है, और पूरे रात ये वहां ट्रेन के पटरियों के बीच में पड़ी होती है, और वहां रात भर उनके दोनों पैरों को चूहे कुतर रहे होते हैं। दोस्तों, पूरे रात ट्रेन के पटरियों पे अधमरी पड़े होने के बाद उन्हें गांव के कुछ लोग देखते हैं और फिर उन्हें पास में बरेली के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, और फिर वहां उनके दोनों पैरों को काटना पड़ता है, और जैसे तैसे करके डॉक्टर और वहां के कर्मचारी अपना ब्लड देके उनकी जान को बचाते हैं, और फिर वो वहां से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और फिर वो तकरीबन 4 महीने तक वो उस हॉस्पिटल में होती हैं। और जब वो हॉस्पिटल में होती हैं तो बाहर मीडिया में ये खबरें आने लगती हैं कि अरुणिमा ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, और कुछ ये तक कहने लगते हैं कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। अब आप भी सोच सकते हैं, जो इंसान अपने मौत से लड़ के आ रहा है और एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, उसके लिए ऐसी ऐसी बातें चल रही है। और इन दौरान ही अरुणिमा खुद से ये दृढ़ संकल्प कर लेती हैं कि उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पे तिरंगा लहराना है और माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से करीब 5 महीने बाद बाहर निकलती हैं, तो वो तुरंत अपने घर जाने की जगह पहुंचती है बछेंद्री पाल के पास, जो कि इंडिया की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम करी थी। और बछेंद्री पाल इनसे मिलते ही रोने लगती हैं और बोलती हैं, अरुणिमा तुम एक अपंग होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े चोटी पे चढ़ने की इच्छा रखती हो, तुम अपने नजरों में ऑलरेडी एवरेस्ट फतह कर चुकी हो, अब तो बस तुम्हें दुनिया के नजरों में करना रह गया है। इसके बाद माउंटेनियरिंग का उनका ट्रेनिंग शुरू होता है, और जिस दौरान उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जिन रास्तों को दूसरे लोग 2 मिनट में तय करते थे, वो चढ़ाई करने में इन्हें 3-3 घंटे लग जाते थे, और फिर भी वो अपने जज्बे और जुनून की वजह से 21 मई 2013 को रात में 10:55 पे एवरेस्ट की चोटी को फतह करती हैं और बन जाती हैं दुनिया की प्रथम अपंग महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह करी। दोस्तों, इनके जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए, और इसके बाद भी इनकी उड़ान रुकती नहीं है। इसके बाद भी ये दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट के सारे पीक्स पे भी चढ़ाई करते हैं। और दोस्तों, हम घर के छोटे मोटे समस्याओं, घर की छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर बैठे होते हैं, जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं दूसरों की तरह इतना अमीर नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और पता नहीं क्या क्या बहाने करते रहते हैं खुद से ही। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या हम अरुणिमा सिन्हा से भी बदनसीब हैं। हाँ, पर तब
जब हम ये खुद से मान लेते हैं और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम मेंटली अपंग हो जाते हैं। अपंग इंसान शरीर से नहीं दिमाग से होता है, और अगर आपके पास हाथ पैर और शरीर होने के बाद भी आपने सीखना आगे बढ़ना बंद कर दिया है ना, तो समझ लीजिए कि आप उस दिन से अपंग बन गए हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।